नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क वाले नक्शा का क्या मतलब होता है। क वाले नक्शा का मतलब क ख ग घ इस तरह का जो है नक्शा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास नक्शा क है, ख ग या घ, ठीक है, इन चारों में से कोई भी सीट आपके पास है तो इसका क्या मतलब है, इसे समझना चाहते हैं बहुत सारे लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, ठीक है। और कुछ सब्सक्राइबर का सवाल भी था, तो कहने का मतलब है आप मेन सीट जब भी देखते होंगे, कोई भी मौजा का नक्शा का जब मेन सीट जो होता है, मेन चादर जो होता है, उसमें आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा बड़ा स्पेस छूटा हुआ रहता है, ठीक है, और उसके बीच में लिखा हुआ रहता है क, या फिर कहीं पे देखे होंगे ख, कहीं ग, कहीं घ, इस तरह से लिखा हुआ रहता है खाली जगह के बीच में। तो उसका जो मतलब है कि मेन चादर तो आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ उसका अन्य सीट भी उपलब्ध है जो कि घनी आबादी का है, ठीक है, जो स्पेस छोड़कर उसका सीट का सिर्फ वो अक्षर दर्शा दिया जाता है क ख ग घ इस तरह से। तो इसका मतलब है कि उतने एरिया में, उतने क्षेत्र में जो है उसका एक अलग सीट है, अलग नक्शा है, और उसके लिए जब आप उस नक्शा को प्राप्त करना चाहेंगे तो स्पेशली जो है नक्शा का चादर आप निर्गत करेंगे तो वो लिखना पड़ेगा आपको फॉर्म फिलअप करने में सीट क या फिर सीट ख, इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो नक्शा का वो पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब जो है वो दिया क्यों जाता है, तो इस बात को समझिए, दिया इसलिए जाता है कि मान लीजिए एक सीट में हो सकता है कहीं जोत बाग की जमीन हो, कहीं पर निवास का जमीन हो, घर का जमीन हो, तो ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि कौन सी घनी आबादी वाला एरिया है, और घनी आबादी वाली एरिया को उसका एक सीट बनाकर अलग ही रखा जाता है, जिसका पैमाना स्केल जो है हाई किया जाता है। पैमाना स्केल क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, और इसको आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। पैमाना स्केल के साथ साथ नक्शा में भी आपको दिखाएंगे कि क ख किस तरह से दर्शाया गया है और उसे आप कैसे विशेष रूप से समझ पाएंगे, लेकिन शॉर्ट में इसमें इस वीडियो में बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो मैं ये बताऊंगा कि पैमाना स्केल के मुताबिक सीट को डिसाइड किया जाता है, और जैसे क ख ग घ इस तरह से जो सीट होता है पैमाना स्केल के अनुसार होता है, घनी आबादी जो जैसा रहता है उस अनुसार जो है वो बनाया जाता है, और उसके बाद ही जो है मतलब यूं कहें तो मेन सीट निर्गत होता है, ठीक है। सर्वे जब किया जाता है तो सर्वे में हर चीज का ध्यान रखा जाता है, नक्शा से लेकर मतलब कागजात तक हर चीज का ध्यान रखा जाता है। तो घनी आबादी का एरिया जो होता है उसे एक मुख्य सीट के नाम पर अक्षर देकर उसे दर्शाया जाता है, और मेन सीट में वो ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह सब समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।